हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज चौधरी, चौधरी कोचिंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, पीछे वाला जो वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन से संबंधित बात की थी, और आज का जो वीडियो होगा वो एक हम नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, और वो उस टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम सेस पल प्रमेय। और सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वो कहाँ से पूछे जाते हैं, सबसे पहले मैं बताया था मैंने इकाई का अंक, उसके बाद में अगर क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो वो होते हैं सेसपल प्रमेय से, और आपके लैंग्वेज के द्वारा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब देखिए, आपने जो यूनिट डिजिट पढ़ी थी उसके अंदर तो क्या नहीं था, उसके अंदर तो जैसे लैंग्वेज नहीं थी, इसके अंदर हम किसका प्रयोग करेंगे, लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। जो क्वेश्चन होंगे वो किस पर आधारित होंगे, लैंग्वेज पर आधारित होंगे। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हिंदी में बोलते हैं सेसपल प्रमेय। जिसको हिंदी में कहा जाता है सेसपल प्रमेय। इससे बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे नंबर सिस्टम का टॉपिक देर का है किसी भी एग्जाम में, तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसका बेसिक जानेंगे, और बेसिक जानने के बाद में स्टेप बाय स्टेप क्या करते जाएंगे, क्वेश्चनों को हल करते जाएंगे। तो देखिए, बेसिक क्या है इसका, जैसे आपने भाग वगैरह पढ़ रखा होगा, जैसे मान लो किसी कोई संख्या है आपके पास 27, इसके अंदर आप भाग देते हो 5 का, तो कितनी बार चला जाता है, 5 बार चला जाता है। या दूसरी संख्या ले ले, क्योंकि यहाँ पर 5-5 क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जैसे मैंने संख्या ले ली दूसरी, वो संख्या ले ली 23, इसमें भाग कितनी बार चला जाएगा आपका, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, और आपका जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। अब देखिए, जिस संख्या के अंदर भाग दिया जाता है, जिस संख्या के अंदर क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है, उसे तो कहा जाता है भाज्य। क्या कहा जाता है, भाज्य। जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसे कहा जाता है भाजक। हम एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। जिस संख्या के अंदर भाग दिया जाता है उसे तो कहा जाता है भाज्य, जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसे कहा जाता है भाजक, और भाज्य में भाग देने पर कितनी बार भाग जा रहा है उसे कहा जाता है भागफल, कितनी बार भाग जा रहा है। और भागफल जितनी बार भाग जा रहा है उसके बाद में कुछ ना कुछ जीरो बच सकता है शेषफल, 1, 2, 3, 4 कितना भी शेषफल नीचे क्या बच सकता है, वैल्यू बच सकती है, उसे क्या कहा जाता है, शेषफल। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने बेसिक में क्या जाना कि जिस संख्या के अंदर भाग दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, भाज्य। जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसे कहा जाता है भाजक, और भाज्य में भाग देने पर जो वैल्यू आती है उसे कहा जाता है भागफल, और नीचे क्या बचता है आपका, शेषफल। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछ ले, अब यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी बेसिक पर आधारित क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपको ऑप्शन भी लिखवाऊंगा मैं, और आप कमेंट के माध्यम से उसके जल्दी से जल्दी क्या आंसर देने की क्या करें, कोशिश करें। अब देखिए, यहां पर जो पहला, अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र देखिए हम यहीं से बना सकते हैं। पहला सूत्र कौन सा बन सकता है, आपसे पूछ सकता है, आपको भाजक दिया हुआ होगा, भागफल दिया हुआ होगा, शेषफल दिया हुआ होगा, और आपसे पूछ लेगा कि भाज्य बताओ। देखिए, भाज्य कैसे निकाला जाता है, जैसे ये 23 है, ये 23 कहां से आया, ये 23 कहां से आया, तो देखिए ये 23 आया है, जब आप 5 को 4 से गुणा करके उसमें 3 जोड़ दोगे तब कितना आ जाएगा आपके पास, 23 आ जाएगा। तो कहने का मतलब सूत्र क्या बन गया, भाज्य का, भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। देखिए, ये 23 कैसे प्राप्त होता है, 5 को जब 4 से गुणा करेंगे कितना हुआ, 20, 5 कितना होता है 20, उसके बाद में उसमें कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, कि 20 में मैं कितना जोड़ू कि मेरे पास कितना आ जाए 23, तो आप क्या जोड़ेंगे, शेषफल जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब यहां से आपका जो पहला सूत्र बना वो क्या बना, अगर आप बात करते हैं भाज्य की, तो भाज्य का जो सूत्र बना है वो कैसे बना है, देखिए आपने पढ़ा होगा भाज्य का सूत्र, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, लेकिन ये निकल के कैसे आया वो देखिए, जब 5 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, उसमें कितना जोड़ देंगे 3, तो कितना हो जाएगा 23, और यही हमारा क्या है, भाज्य। तो भाज्य बराबर में हो जाएगा आपका भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल।
और प्लस में क्या हो जाएगा, शेष पल हो जाएगा। अब देखिए यहां से आप भाज्य निकाल सकते हैं, अगर भाजक पूछे तो गुणा भाग करके आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पर आधारित हम क्या करेंगे, भाज्य पर आधारित क्या करते हैं, क्वेश्चनों को हल करते हैं, और एग्जाम में किस प्रकार से पूछन जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी अब हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका बेसिक जानेंगे और बेसिक जानने के बाद में तुरंत उसका क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आपको तो ये ध्यान होना चाहिए कि जब भाज्य निकालते हैं तो इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं भाजक और भागफल का, और उसमें क्या जोड़ देते हैं, शेषफल जोड़ देते हैं। जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन किस प्रकार हो सकता है कि भाजक भागफल का, भाजक भागफल का 10 गुना है तथा आपका क्वेश्चन क्या है कि भाजक भागफल का कितना गुना है, 10 गुना है तथा शेषफल का 20 गुना है। शेषफल का कितना गुना है, 20 गुना है तथा शेषफल, वह शेषफल, वह शेषफल आपको दे रखा है यहां से 4 है, तो भाज्य बताओ, तो भाज्य बताओ। आप करने की कोशिश करना, इजी क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं इसका। पहला ऑप्शन हो जाएगा 680, अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका 640, तीसरे अगर ऑप्शन की बात करें तो आपका हो जाएगा 644, और चौथे ऑप्शन की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 620। आपको क्या करना है, इसमें से आंसर देना आपको, जल्दी से जल्दी आपकी क्या कीजिए, आंसर बताइए इसका। देखिए क्या बोल रहा है, भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 20 गुना है, वह शेषफल 4 है, तो भाज्य बताओ। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है, देखिए होगा किस प्रकार, हमने क्या लिखा था, हमने इस प्रकार लिखा था कि भाज्य तो कहां आता है, बीच में, जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसे कहा जाता है भाजक, इसे कहा जाता है भागफल, और भाग देने पर जो नीचे बसता है, बचती है राशि, उसे कहा जाता है शेषफल। अब देखिए क्वेश्चन समझिए आप, इसमें क्या बोल रहे हैं कि भाजक भागफल का कितना गुना है, 10 गुना। देखिए कौन है, भाजक है, किसका 10 गुना है, भागफल का। कहने का मतलब ये इसका कितना गुना है, 10 गुना है। 10 गुना का मतलब ये हो गया कि अगर भागफल 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यदि ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 3 है तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर आगे पढ़िए क्वेश्चन में क्या है, तथा शेषफल का कितना गुना है, 20 गुना है। ये शेषफल का कौन है, भाजक है। शेषफल का कितना गुना है, शेषफल का 20 गुना है। कितना गुना है, 20 गुना है। उसके बाद में क्या दे रखा है, यदि शेषफल 4 है, ये शेषफल दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 4। कितना दे रखा है, 4। अब ये 4 का देखिए, ये शेषफल का 20 गुना है, कौन है, भाजक है। यदि ये 4 होगा तो 4 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 4 × 20 कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। तो इस भाजक को मैं यहां से मिटा रहा हूं, तो आपका भाजक कितना आ चुका है, यहां पर 80 आ चुका है। कितना आ चुका है, 80 आ चुका है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर ये कितना है, ये 80 आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भागफल है, ये आपका जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है। कहने का मतलब मैं यहां पर इस भागफल की जगह कितनी राशि लिखूं कि यहां पर कितने आ जाए, 80 आ जाए। तो इस भागफल की जगह मैंने कितना लिख दिया, 8 लिख दिया। देखिए 8 का 10 गुना कितना होता है, 8 × 10 कितना हुआ बताओ, 80 तो हुआ ना, ठीक है। तो यहां पर और ये 8 कैसे निकला वो भी मैं आपको बता देता हूं, इस 80 के अंदर किसका भाग दे दिया, 10 का भाग दे देने पर क्या आ गया, 8 आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे भाज्य पूछ रहा है, ये बीच वाली संख्या पूछ रहा है, तो बीच वाली संख्या के लिए मैंने अभी सूत्र लिखाया था, क्या होता है, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो जब आप 80 को किससे गुणा करेंगे, 8 से गुणा करके, और क्या जोड़ना है आपको, नीचे वाला जो शेषफल दे रखा है 4, वो क्या कर देना है, इसके अंदर जोड़ देना है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 640 प्लस कितना हो जाएगा, 4। तो आपका आंसर क्या निकल गया, आ गया 644। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। बताओ बच्चों समझ में आया नहीं आया, देखिए इसमें क्या, दोबारा से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। भाजक भागफल का 10 गुना है, देखिए ये भाजक है वो इसका 10 गुना है, ये शेषफल का 20 गुना है। आपको एक वैल्यू दी हुई होगी,
या तो आपको शेषफल दिया हुआ होगा और या आपको क्या दिया हुआ होगा, भागफल दिया हुआ होगा। इन दोनों में से जब तक एक राशि नहीं देगा तब तक आप क्या नहीं निकाल सकते, भाज्य निकाले नहीं सकते। एक राशि आपको दी हुई होगी और उसके बाद में आप आसानी से कैलकुलेशन करके हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं वो सभी एग्जाम में आए हुए है, पूछे हुए क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताना आप कि भाजक भागफल का, भाजक के भागफल का 15 गुना है वह शेषफल का, वह शेषफल का भाजक भागफल का 15 गुना है वह शेषफल का 25 गुना है, क्या है 25 गुना है। तथा देखिए अब पीछे वाले क्वेश्चन में तो क्या दे रखा था, शेषफल दे रखा था आपको, और इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, भागफल दे रखा है। तथा भागफल 5 है, भागफल 5 है तो क्या बताओ, तो भाज्य बताओ, तो क्या बताओ, भाज्य बताओ, आपको ये क्या करना है, क्वेश्चन बताना है। चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूं, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। भाजक भागफल का 15 गुना है वह शेषफल का 25 गुना है तथा भागफल 5 है तो क्या बताओ, आप भाज्य बताओ। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, 360, 368 और आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 378 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 344। बताओ भाई इनमें से, इनमें से बताओ। वही क्वेश्चन है, उसमें शेषफल दे रखा था और इसमें क्या दे रखा है, भागफल दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार होगा, इसी प्रकार हम लगा देते हैं, पीछे वाला आपने जो बेसिक था वो समझ लिया था। देखिए ये भाजक है वो भागफल का कितना गुना है, 15 गुना। ये जो आपका भाजक है वो इस भागफल का, इस भागफल का कितना गुना है, 15 गुना है। कितना गुना है, 15 गुना है। वह शेषफल का देखिए, नीचे हम भाग देते हैं तो क्या बचता हमारे पास, शेषफल बचता है। इस जो ये जो शेषफल बचा है आपके पास, इस शेषफल का कितना गुना है, इस शेषफल का ये 25 गुना है। कौन है, भाजक। आगे दे क्या दे रखा है, यदि भागफल 5 है, ये भागफल आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो देखिए 15 5, जब 15 से जब ये 5 का 15 गुना होगा तो यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास, 75 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 75 निकल के आ जाएगा। अब देखिए आप शेषफल निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले वाले जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमने भागफल निकाला था 8, इसी प्रकार यहां से क्या निकाल सकते हैं, हमें शेषफल निकाल सकते हैं। और वो शेषफल कैसे निकलेगा, यहां पर मैं 3 लिख दूं, क्योंकि देखिए 3 का ही 25 गुना कितना होता है, 75 होता है। और आप वैसे भी निकाल सकते हो 75 के अंदर कितने का भाग दे सकते हैं, 25 का भाग दे सकते हैं। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है भाज्य, तो भाज्य कैसे प्राप्त हो जाएगा, मैंने अभी बताया था सूत्र क्या होता है, भाजक को किससे गुणा कर दो, भागफल से गुणा करके उसमें क्या जोड़ दो, शेषफल जोड़ दो। तो जब आप 75 को किससे गुणा करेंगे, 5 से, क्या आ जाएगा आपका भाज्य, आपका जो ये भाज्य है वो क्या निकल के आ जाएगा, जब आप 75 को किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करके, और इसमें कितना जोड़ देंगे, इसमें कितना जोड़ दिया हमने, 3 जोड़ दिया। जब इसको 75 को 5 से गुणा करके 3 जोड़ देंगे तब देखिए आपके पास उत्तर क्या आने वाला है। यहां से देखिए 575 हो जाएगा और प्लस में 3, और आपका उत्तर क्या निकल के आ जाएगा, 375 हो जाएगा प्लस में 3, तो आपका उत्तर आ जाएगा 378। और ये आपका ऑप्शन कौन सा है, 378, 3 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन आपका क्या है, सही होगा। आगे बात करते हैं, अभी और अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए आप वीडियो के साथ जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं, जितने भी वीडियो हमारे आते हैं, उनके साथ आप लगातार जुड़े रहिए,
ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गणित विषय के अंदर, और मैं आपको पूरी गणित सिखा के फिर ही मानूंगा, ठीक है। आपको पूरी गणित सिखाई जाएगी और सिस्टमेटिक तरीके से सिखाई जाएगी, आपको सूत्र रटने की, सूत्र याद करने की बिल्कुल भी कतई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, सूत्र हम खुद बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन हो सकता है अगर चेंज करके लिखे, अगर थोड़ा सा अगर इसको चेंज कर दें तो देखिए किस प्रकार होगा कि किसी संख्या, क्या क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, वरना उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद में करते हैं अगले क्वेश्चन की चर्चा, कि भाजक की भागफल का, भाजक भागफल का, भाजक भागफल का 25 गुना है, भाजक भागफल का 25 गुना है, वह शेषफल का, भाजक भागफल का कितना गुना है, 25 गुना है, वह शेषफल का 5 गुना है, वह शेषफल का क्या गुना है, 5 गुना है, वह भागफल कितना दे रखा है आपको, भागफल दे रखा है आपको 16, तो क्या बताओ, तो भाज्य बताओ, तो क्या बताओ, भाज्य बताओ, ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरे, अगर ऑप्शन की बात करें तीसरे ऑप्शन होगा आपका 6000, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका कुछ भी नहीं, बताओ भाई जल्दी से इसका, इसका आंसर बताओ जल्दी से। देखिए क्या दे रखा है कि भाजक वो भागफल का कितना गुना है, 25 गुना है, कितना गुना है, 25 गुना है, देखिए इस भागफल का कितना गुना है, ये 25 गुना है, उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, वह शेषफल का कितना गुना है, इस ये जो नीचे शेषफल है, इस शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है, उसके बाद में आपको क्या दे रखा है, भागफल दे रखा है, क्या दे रखा है, भागफल दे रखा है, देखिए भागफल इस 16 को जब 25 से गुणा करेंगे, आपको भागफल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, जब 16 का 25 गुना कितना होता है, 16 का 25 गुना हो जाएगा आपका 400, कितना हो जाएगा 400, जब आप 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 400 निकल के आ जाएगा। अब ये बताइए यहां पर मैं ऐसा कौन सी संख्या लिखूं कि ये इसका 5 गुना कितना हो जाए, 400, तो आप क्या बोलोगे कि इस 400 के अंदर किसका भाग दे दीजिए, आप 5 का भाग दे दीजिए, ठीक है। तो यहां पर ये आपका जो शेष पल है वो कितना निकल के आ जाएगा, यहां से 80 निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा, 80 निकल के आएगा। अब जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का क्या करना है, गुणा करके कितना जोड़ देना है, उसमें 80 जोड़ देना है। तो देखिए आपका जो ये भाज्य है वो कितना निकल के आ जाएगा, आपका जो भाज्य है वो 400 को गुणा किससे कर देंगे, 16 से गुणा करके उसमें कितना जोड़ देंगे, 80 जोड़े देंगे। तो देखिए यहां से कितना आ जाएगा, 6400 प्लस 80, तो आपका कितना आ जाएगा उत्तर, 4680, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहां से उत्तर निकल के आ जाएगा, और आपका एक नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताओ भाई किन किन का सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप क्या कीजिए, उसको लाइक कीजिए, लाइव चैट से जाकर उसमें क्या कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, लाइव चैट से हटिए। देखिए अगला क्वेश्चन, फिर आगे वाले यदि चौथे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए चौथा क्वेश्चन किस प्रकार होगा आपका, यह एक अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार के, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, कि जैसे अगर मैं क्वेश्चन लिखूं कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर, 52 से भाग देने पर, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर
45 शेष पल बचता है, शेष पल बचता है यदि उसी संख्या को 13 से भाग दें, 13 से भाग दे तो शेषफल बताओ, तो शेषफल बताओ भाई। ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपके सामने, ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 3, 4, 5 और 6। बताओ जल्दी से। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 45 से शेषफल बचता है। जितना क्वेश्चन बोल रहा है आपको केवल उतना ही काम करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसी संख्या को, तो मान लो मेरे पास कोई संख्या है, यहां पर कोई संख्या x है, ठीक है, या आप कोई भी संख्या मान सकते हैं। इस संख्या को मैं किससे भाग दे रहा हूं, 52 से मैंने क्या कर दिया, भाग दे दिया। इस संख्या को मैंने किससे भाग दे दिया, 52 से भाग दे दिया। 52 से भाग देने पर शेषफल हमारे पास कितना बचा, 45 बचा। और माना मैंने भाग कितनी बार गया, y बार गया, कितनी बार गया, y बार भाग चला गया। अब भाग देने पर शेषफल कितना बचा, 45 बचा। अब क्या बोल रहा, यदि उसी संख्या को 13 से भाग देंगे, कौन सी संख्या को, इसी संख्या को जब 13 से भाग देंगे तो शेषफल बताओ। तो देखिए आपको क्या नहीं करना है, आपको ऐसे गलती नहीं करनी है कि x के अंदर किसका भाग देना है, 45 का भाग देना, ठीक है। आपको सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। और आपको पता है x की वैल्यू कैसे निकलती है, जब 52 को आप किससे गुणा करेंगे। देखिए मैं संख्या लिख देता हूं इसकी जगह, आप पर्सन में ऐसे बोला ना किसी संख्या को, चलो मैंने यहां पर संख्या लिख दी। अब देखिए ये संख्या कैसे निकलेगी, ये जो आपकी संख्या है वो कैसे निकलेगी आप ही बताओ। ये संख्या निकलेगी जब 52 को किससे गुणा करेंगे, 52 को जब गुणा करेंगे y से, 52 को किससे गुणा करेंगे, y से गुणा करके उसमें कितना जोड़ देंगे, 45 जोड़ी देंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है यदि उसी संख्या को, कहने का मतलब इस संख्या को किससे भाग दे रहा है, 13 से भाग दे रहा है। जब इस संख्या को हम 13 से भाग करेंगे तो इसको भी क्या करेंगे, 13 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग दे तो भाग, शेषफल बताओ, ठीक है। अब आपको पता है कि हम इसमें अलग अलग भी क्या दे सकते हैं, भाग दे सकते हैं, अलग अलग भी क्या दे सकते हैं, भाग दे सकते हैं। कैसे, ये कितना हो गया, 52y हो गया, कितना हो गया, 52y, 52y में 13 का भाग दे देंगे, आगे चिन्ह किसका है, प्लस का, और 45 में भी किसका भाग दे देंगे, 13 का भाग ही दे देंगे। अब यहां से आप लघुतम लेके भी दे सकते हैं, वापस यही संख्या आने वाली है। अब देखिए आपको पता है कि 52 के जब गुणनखंड करते हैं तो उसमें 13 आता है नहीं आता है, 13 का फाड़े में 52 आता है नहीं आता है, आता है, ठीक है। तो इसमें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, y गुणा में कुछ भी हो सकती है, इसमें तो पूरा पूरा क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। तो यहां से तो जो शेषफल बचता है वो क्या बचता है, 0 बचता है। लेकिन जब इसके अंदर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 33 कितना होता है, 39 होता है। और आपका जो शेषफल बचेगा वो कितना बच जाएगा, यहां से 6 निकल के आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, यहां से आंसर हो जाएगा, 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दोबारा से समझिए कि किसी संख्या को 52 से भाग दे दिया हमने, ये संख्या थी इसमें 52 से भाग दे दिया, वाई बार मान लो भाग चला गया, शेषफल हमारे पास बोल रहा है कि 45 बचा। यदि उसी संख्या को, संख्या का मतलब क्या है, ये संख्या कैसे निकलेगी, 52y + 45, यदि उसी संख्या को यदि मैं 13 से भाग करता हूं, यहां से 13 से भाग करेंगे संख्या को, तो ये भी तो संख्या ये, इसमें 13 से भाग करेंगे तब शेषफल आपके पास इसमें पूरा भाग चला जाएगा, और कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर आपके पास इसी से रिलेटेड अगर दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ले तो देखिए किस प्रकार होगा कि किसी संख्या को 6 से, देखिए ये क्वेश्चन जो मैं लिखवा रहा हूं वो दो तरीके से हो सकता है। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष पल बचता है, 3 शेष बचता है,
कितना शेष बचता है? देखिए जैसे मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, आप उसको जितना मैं क्वेश्चन लिखवाऊं उतना आप हल करते जाइए। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर कितना शेष बचता है? 3 शेष बचता है। यदि उस संख्या के यदि उस संख्या के वर्ग में 6 का भाग दें, कितने का भाग दें? 6 का भाग दें, तब शेषफल कितना बचेगा? तब आपको क्या बताना है? यहां से शेषफल बताना है। तो देखिए ऑप्शन लिख रहा हूं मैं आपके सामने, 0, 2, 1 या 3 और 4, बताओ इनमें से। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो चुका है लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके दो तरीके हैं करने के। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं करने के। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है आपके पास? 3 शेष बचता है। देखिए ये मेरे पास कोई संख्या है, इस संख्या को कितने से भाग दिया मैंने? 6 से भाग दिया। कितने से भाग दिया? 6 से भाग दिया। तो आपके पास शेषफल कितना बचा? 3 बचा। कितना बचा शेषफल? 3 बचा। अब देखिए भाग मान लो y बार चला गया, कितने बार चला गया? y बार चला गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि उसी संख्या, देखिए इस संख्या की बात कर रहे हैं, अरे ये संख्या कैसे निकलेगी? 6y प्लस में 3। यदि उसी संख्या के वर्ग में, अब इस संख्या का क्या करना है आपको? वर्ग करना है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए वर्ग कैसे होगा, सबसे पहले तो वो संख्या निकालते हैं। ये संख्या कैसे आ जाएगी? ये संख्या आ जाएगी आपकी 6y प्लस 3, बताओ होगी या नहीं होगी? संख्या कैसे निकालते हैं? भाज्य क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। तो 6y प्लस में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, यदि मैं इस संख्या का वर्ग कर दूं तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? इस संख्या का वर्ग होगा या नहीं होगा? अरे ये संख्या ही तो है, तो इसका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इस संख्या के वर्ग में मैं कितने का भाग दे रहा हूं? 6 का भाग दे रहा हूं। कितने का भाग दे रहा हूं? 6 का भाग दे रहा हूं। ठीक है, तो शेषफल कितना बचेगा? तो देखिए आपने क्या जाना है यहां से, आपने जब इसको आप सोल्व करेंगे कोष्टक को, तो कितना हो जाएगा यहां से? देखिए 6y स्क्वायर, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं आपको, फिर डायरेक्ट बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार देखते ही आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए 6y स्क्वायर हो जाएगा भाई, a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र बनाइए, तो 6y स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर और प्लस में फिर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 6y गुणा 3 और इसमें किसका भाग लग जाएगा? 6 का, क्योंकि मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या किया है यहां पर विस्तार किया है। ठीक है, अब देखिए जब 6 में आप इसमें भाग देंगे, अलग अलग लिख लेंगे, जैसे क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में लिखा है हमने, इस 6y के अंदर यदि 6 का भाग देंगे तब भी पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि देखिए गुणा में 6 है ना, 3 के स्क्वायर में यदि हम भाग देंगे तब भी क्या चला जाएगा यहाँ पर? इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा, फिर इसके अंदर भी क्या चला जाएगा? पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो देखिए हमारे पास भाग किसमें नहीं जाएगा? पूरा पूरा इसमें नहीं जाएगा। कौन से में? 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 बटा कितना हो जाएगा? 6। और जब 6 में 9 का भाग देंगे, 9 में जब 6 का भाग देंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर शेष पल बच के आया वो कितना आया? 3। और 3 ही आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपने दोनों क्वेश्चन जाने। अब मैं इस क्वेश्चन का क्या बताने वाला हूं, जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। देखिए कैसे, ये तो पहला तरीका हो गया, चलो एक तरीका और बताते हैं आपको, पूरे 3 तरीके बता दें इसके। दूसरा तरीका क्या है देखिए, समझिए यहां से। देखिए किसी संख्या को, ये मेरे पास क्या है, कोई संख्या मान लो मैंने x मान ली, ठीक है, इस संख्या को मैं किससे भाग दे रहा हूं? 6 से भाग दे रहा हूं, तब मेरे पास शेषफल कितना आया? 3 आया। ये जो तरीका है वो मेथड है, जो इसका बेसिक है वो मैं आगे बताने वाला हूं, लेकिन इसका तरीका मैं यहां पर बता देता हूं कि किस प्रकार होगा ये। किसी संख्या में मैंने 6 का भाग दे दिया तो मेरे पास शेषफल कितना बचा बताओ? 3 बचा, क्वेश्चन में बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है, इस संख्या का मैं वर्ग कर दूं, अक्ष स्क्वायर कर दिया मैंने, कितना कर दिया? अक्ष स्क्वायर वर्ग कर दिया, और वर्ग में मैं 6 का भाग दूं, तब आपको पता होना चाहिए कि जब किसी संख्या का वर्ग किया जाता है तो उसके जो शेषफल बचता है उसका भी क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है। तब यहां पर इसका भी वर्ग हो जाएगा, और 3 का वर्ग कितना होता है? 9, और 9 में जब 6 का भाग देंगे तो शेषफल आपका कितना बचा? 3। बताओ आसानी से आया नहीं आया? और ये 3 ही आपका क्या था? उत्तर था। ठीक है, इसका जो मेथड है वो मैं आगे वाली वीडियो के अंदर, वो आगे वाली जो अभी चल रहा है रूटीन, उसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। अब देखिए आगे अगर हम बात करें बेसिक की,
आगे वाले क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं? एक तो क्वेश्चन देखिए यहां से इस प्रकार बन सकता है, दिल्ली पुलिस में यहां से एक पर्सन पूछ सकता है, ठीक है, डेफिनेटली। आगे देखिए, चलो आगे हम क्या बताने वाले हैं, एक अलग में थर्ड बताने वाले हैं, फिर उस पर आधारित क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को सोल्व भी करेंगे, ठीक है, देखना समझना। मेरे पास कोई संख्या x है, क्या है मेरे पास कोई संख्या x है, ये क्या होगा आपका भाजक होगा, क्या होगा भाजक। m मेरे पास क्या है भाज्य है, m मेरे पास क्या है भाज्य है। जब किसी संख्या m में दूसरी संख्या x का क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है, जब m में किसका भाग दिया जाता है, x का भाग दिया जाता है, तो माना मेरे पास जो शेष पल बच के आया वो r1 बच के आया, क्या बच के आया r1, जो रिमाइंडर है वो क्या बच के आया मेरे पास r1। इसी प्रकार मेरे पास दूसरी संख्या n है, मेरे पास दूसरी संख्या क्या है n है, उस n के अंदर भी मैंने इसी संख्या x का भाग दिया। देखिए जो आपका भाजक है वो क्या होने वाला है, जो भाज्य है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, m है यहां पर n है, लेकिन आपका जो भाजक है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब m में x का भाग देंगे तब शेषफल r1 बचा, n में जब x का भाग देंगे तब आपका जो शेषफल है वो क्या बचा r2 बचा। यहां तक बात समझ में आई, अरे यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, आगे बात कैसे करेंगे कि जब इन दोनों संख्याओं के जोड़ की बात करें, जब इन दोनों संख्याओं के जोड़ की बात करें, कौन सी संख्याएं के जो आपके भाज्य हैं उनकी जोड़ की बात करें, कि m प्लस n में यदि हम उसी संख्या का भाग दें तो क्या शेषफल प्राप्त होता है, तब हमारे पास शेषफल एक अलग ही प्राप्त होता है, और वो क्या होता है r3, और वो क्या होता है r3 होता है, क्या होता है आपके पास r3 होता है, ठीक है, उसको समझेंगे। देखिए समझते कैसे हैं वो देखिए, एग्जाम्पल देखिए इसका, चलो मैं एग्जाम्पल आपको क्या कर देता हूं, यहीं पर क्या कर देता हूं, बता देता हूं। जैसे सपोज करो आपने 13 में किसका भाग दिया, 5 का भाग दिया, किसका भाग दिया 5 का भाग दिया, तब आपके पास शेषफल कितना निकल के आया, 5 दूनी 2 बार भाग चला जाएगा, शेषफल आपके पास आया 3, कितना निकल के आया 3। और यदि मैं 14, देखिए मैंने अंदर वाली जो भाज्य है उसको क्या किया, चेंज किया है, इस 14 के अंदर भी मैं किसका भाग देता हूं, 5 का भाग देता हूं, तब देखिए मेरे पास शेषफल कितना निकल के आने वाला है, 4 निकल के आने वाला है, कितना निकल के आने वाला है, 4 निकल के आने वाला है। लेकिन जब मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ दूं, जब मैंने 13 और प्लस 14 को जोड़ के फिर 5 का भाग दिया, तब देखिए मेरे पास शेषफल कितना आएगा, जब आप 13 को और 14 को जब जोड़ेंगे तब कितना आएगा, ये 27 होगा या नहीं होगा, कितना होगा 27, और इस 27 के अंदर अगर मैं 5 का भाग दूं तो 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 × 5 = 25, और आपके पास शेषफल कितना बचा 2, बताओ अलग बचा या नहीं बचा। देखिए यहां पर शेषफल 3 r1, देखिए तीनों संख्याएं अलग अलग होगी r1 r2 r3, यहीं पर देखिए अलग अलग हो रही है, 3 बच रहा है यहां पर 4 बच रहा है, और यहां पर क्या बच रहा है 2 बच रहा है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो समझिए आप, क्वेश्चन अगला ऐसे पूछेगा कि कोई संख्या आपको दे रखी होगी, उस संख्या के अंदर इसका भाग दिया जाता है तो R1 बचता है, इसके अंदर ये दिया जाता है तो R2 बचता है, तो आप क्या बताओ इन दोनों संख्याओं के जोड़ में भाग देने पर कितना बचेगा। एक तो ये पर्सन पूछ सकता है, एक आपसे ये पर्सन देके और क्या पूछ सकता है आपसे, भाज्य, जो आपका भाजक है वो क्या कर सकता है, पूछ सकता है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से उनका आंसर निकाला जाता है वो समझिए आप यहां से। तो देखिए हमने क्या निकाला, आपने ये बेसिक जान लिया है, अब देखिए क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अब मैं आपसे, आपके पास यहां पर एक क्या बना देता हूं, सूत्र बना देता हूं। सूत्र क्या बन जाता है कि जब आपसे x पूछे, x क्या है आपका भाजक है, क्या है भाजक, जब आपसे x पूछे तो देखिए कैसे निकल के आता है। आपको सपोज करो 3 शेषफल दे रखे हैं और भाजक पूछ ले तो आपका आ जाएगा r1 + r2 - r3, इन दोनों का जोड़ करके और इसमें से क्या कर देना, ये वाला r3 क्या कर देना, घटा देना। अब देखना क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखते हैं। चलो क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, आपका क्वेश्चन हो जाएगा जैसे दो संख्याओं को
33 से अलग अलग भाग देने पर आपका जो शेषफल है, भाग देने पर शेषफल 21 व 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल बताओ, बताओ। मैंने सूत्र लिखा दिए थे आपको, वैसे भी समझा दूंगा मैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देना है। देखिए हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं। एक संख्या तो जैसे x1 ये है और एक संख्या x2 ये है, ठीक है। xy मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप संख्याओं को, ठीक है। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देना है, यहां से भी 33 से भाग देना और यहां से भी क्या देना है, 33 से भाग देना है, ठीक है। अलग अलग भाग दे दिया, अब क्या बोल रहा है, भाग देने पर शेषफल 21। देखिए इस पर भाग देने पर तो शेषफल कितना बचता है, 21 बचता है, और यहां पर अगर हम भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा आपके पास, 28 बच रहा है। 21 और शेषफल कितना बच रहा है, 28 बच रहा है। फिर क्या बोला है, यदि उन दोनों संख्याओं के योग में, यदि इन दोनों संख्याओं के x1 प्लस x2, यही तो हुआ ना योग, इसके अंदर यदि 33 से भाग दिया जाए तो आपके पास शेषफल कितना बचेगा, ये आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए ये आपका r1 तो कितना दे रखा है, r1 तो 21 दे रखा है, r2 कितना दे रखा है, r2 आपका 28 दे रखा है, और r3 ने क्या किया, r3 आपसे पूछा है। मैंने अभी सूत्र क्या लिखाया था, मैंने सूत्र ये लिखाया था कि x बराबर में क्या होता है, जो भाजक होता है, भाजक बराबर में होता है r1 प्लस r2 माइनस r3, ये लिखवाया था ना मैंने। तो देखिए यहां से आपको x का मान कितना दे रखा है, x का मान आपको 33 दे रखा है। देखिए x का मान कितना दे रखा है, 33 बराबर r1 कितना दे रखा है, 21, और प्लस में कितना हो जाएगा, 28। 21 प्लस में कितना हो जाएगा, 28। अच्छा मैंने ऑप्शन नहीं लिखे क्या इस क्वेश्चन के, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 21 प्लस में कितना हो जाएगा, 28, और माइनस का कितना होगा, r3 होगा, कितना होगा, r3। जब देखिए इसका इधर पक्षांतरण कर रहे थे, ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, इधर माइनस का हो जाएगा। तो देखिए जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इधर कर लेते हैं, आपका जो r3 है वो कितना निकल के आ जाएगा, देखिए ये तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, जोड़ होंगे तो कितना होगा, 49 हो जाएगा, 21 और 28 49, और उसके बाद में इसमें से कितना माइनस कर देंगे, 33 क्या कर देंगे, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें से जब ये माइनस किया तो आपके पास क्या निकल के, कितना निकल के आ गया, 16 निकल के आ गया, और 16 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम में आपको ये नहीं करना है, एग्जाम के अंदर आपको ये इतना मेथड नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट सूत्र का मालूम होना चाहिए कि सूत्र हमने किस प्रकार से बनाया था, ठीक है। और ये सूत्र बनाया था इस प्रकार से, और इसमें जब वैल्यू रखी तो अपने पास क्या निकल के आ गया, r3 की वैल्यू निकल के आ गई, और r3 का मान कितना निकल के आया है, 16 निकल के आया है। देखिए आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन ही बनेगा आपके पास। एक अगर इसका दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो किस प्रकार बनेगा, आपको r1 दिया हुआ होगा, आपको r2 दिया हुआ होगा, आपको r3 दिया हुआ होगा, आपके पास क्या नहीं होगा, 33 ये जो आपका भाजक है उसकी वैल्यू नहीं दे रखी होगी, तो यहां से r1 प्लस r2 इन दोनों को जोड़ के और इसमें से घटा देना, ये आपके पास क्या होगा, आ जाएगा शेषफल, ठीक है। देखिए अगर लैंग्वेज के रूप में पूछे तो इस प्रकार पूछ सकता है, अगर अंकों के रूप में पूछे तब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं इसके। अब समझना आप इसका थोड़ा बेसिक मेथड समझना, उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है। देखना मेथड किस प्रकार होता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई संख्या क्या है, एक्स है, क्या है बच्चों मेरे पास संख्या एक्स है, इस एक्स के अंदर मैंने किसका भाग दे दिया, इस एक्स के अंदर मैंने भाग दे दिया किसी भी संख्या, जैसे मान लो मैंने डी का भाग दे दिया, इस एक्स के अंदर मैंने किसका भाग दे दिया, डी का भाग दे दिया। अब आपको मेंटली माइंडली सोचना है,
क्या सोचना है माइंडली, आपको सोचना है डायरेक्ट अक्ष कोई संख्या है उसके अंदर क्या किसका भाग दे दिया मैंने, कोई भाजक डी है उसका मैंने क्या दे दिया, भाग ही दे दिया। अब तो मेरे पास जो रिमाइंडर है, देखिए मैं यहाँ पर शेष पल लिख देता हूँ, तब मेरे पास जो शेष पल है वो कितना बचा, सपोज करो आर बचा, कितना बचा आर बचा, मैंने अक्ष में डी का भाग दिया तो मेरे पास शेष पल कितना बचा आर बचा, ठीक है। अब यदि मैं इस संख्या का स्क्वायर कर दूं, अक्ष का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, हमने देखिए दो नंबर दो तीन नंबर जो पहले क्वेश्चन था वो समझा था, बस वही मेथड है यहां पर, ठीक है। अक्ष स्क्वायर में यदि मैं डी का भाग दे दूंगा तब आपसे अगर पूछ ले कि शेष पल बताओ कितना होगा, तब आपको उतना मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका शेष पल हो जाएगा आर स्क्वायर बट्टा डी, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बट्टा डी। कैसे, जब आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि मेरे पास कोई संख्या दे रखी होगी, अक्ष में मैंने डी का भाग दिया तो आर बचा, तो बताओ उस संख्या के वर्ग में उसी संख्या का भाग देने पर आपके पास शेष पल कितना बचेगा, तब देखिए शेष पल कितना बचेगा, आपको रिमाइंडर का स्क्वायर करके उसमें भी किसका भाग दे देना है, डी का भाग दे देना है। कैसे, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा क्या करता हूँ आपको समझाता हूँ। एक मेथड और ले लीजिए, जब आपके पास अगर आर एक्स क्यूब पूछे, एक्स क्यूब में यदि डी का भाग देंगे तो शेष पल कितना बचेगा, तो यहाँ पर शेष पल का भी क्या हो जाएगा आर का भी क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब बटा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा क्या कीजिए आप समझिए, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने अक्ष के अंदर किसका भाग दिया 11 का भाग दिया, तो सपोज करो मेरे पास जो रिमाइंडर शेष पल है वो कितना निकल के आया 7 निकल के आया। समझना एक बार इस बात को, कोई संख्या थी मेरे पास अक्ष, मेरे पास कोई संख्या क्या थी अक्ष थी, उस अक्ष प्रश्न कैसे बन सकता है वो समझिए, किसी संख्या में 11 का भाग देने पर शेष पल 7 बचता है, तो उस संख्या के स्क्वायर में 11 का भाग देंगे तो शेष पल बताओ कितना बचेगा, बताओ बताओ भाई जल्दी से। मैंने क्या लिखा है कि किसी संख्या में 11 का भाग देने पर शेष पल 7 बचता है, तो उस संख्या के वर्ग में उस संख्या के स्क्वायर में यदि 11 का भाग देंगे तब शेष पल कितना बचेगा। तो देखिए हमने यहां से क्या सीखा है, यदि संख्या में भाग दे रहे तो शेष पल आर बच रहा है, तो यदि संख्या का स्क्वायर कर दिया, किसका स्क्वायर कर दिया संख्या का स्क्वायर कर दिया, तो यहां पर शेष पल का भी क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। तो कहने का मतलब यहां पर किसका स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर होके किसका भाग लग जाएगा 11 का भाग लग जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 में किसका भाग देंगे 11 का भाग देंगे, और आपको पता है जब 49 में 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 11 चौक 44, और आपके पास जो शेष पल वो कितना बचा 5। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, अरे बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। आपको देखिए यहीं से समझाना है, आपको यहीं से क्वेश्चन बनाने हैं, आपको क्वेश्चन अब याद करने की जरूरत नहीं है, गाइड में उठाने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन यहीं से बना सकते हैं। कैसे बनाया आपने क्वेश्चन, कि किसी संख्या में 11 का भाग देने पर शेष पल 7 बचा, तो उस संख्या के वर्ग में 11 का भाग देने पर शेष पल कितना बचेगा, तो आपको पता है कि अगर संख्या का वर्ग हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और आपने क्या किया उस जो रिमाइंडर था पहले वाला 7 क्वेश्चन में दे रखा था उसका स्क्वायर करके क्या कर दीजिए 11 का भाग दे दीजिए, क्या दे दीजिए उसमें 11 का भाग दे दीजिए, ठीक है। चलो एक बात और समझना यहां से, जब यदि ये आपके पास क्या हो, आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या हो, अगर जो आपका भाजक उससे अगर छोटा हो, जैसे यहाँ पर कितना आ जाए सपोज करो 5 आ जाए, कितना आ जाए या 4 आ जाए, कितना आ जाए 4 आ जाए, और 4 के अंदर जब 11 का भाग देंगे तब आपको शेष पल, ऐसा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, आप रहने दीजिए वरना कन्फ्यूज होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा शेष पल हो जाएगा। देखिए अब आगे पहला मेथड तो आपने ये समझ लिया, अगर दूसरे अगर मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड समझिए कि यदि अक्ष में मैंने डी का भाग दे दिया और हमारे पास जो शेष पल है क्या है शेष पल, वो शेष पल कितना बचा, शेष पल आपके पास आर बचा, कितना बचा आर बचा। यदि उस संख्या के दुगुने में भी उसी संख्या का भाग दिया जाता है तब शेष पल बताओ, क्या बताओ तब शेष पल बताओ, तब भी आपके पास शेष पल कितना आ जाएगा 2R बटा डी। देखिए जैसी आपने यहां से क्या सीखा कि जैसी अक्ष की कंडीशन होती है वैसे ही क्या होती है शेष पल की कंडीशन होती है। स्क्वायर किया था तो शेष पल का भी क्या हो गया था स्क्वायर की हो गया था
और यदि भाज्य का हमने दुगुना कर दिया तब यहां पर भी क्या हो गया, शेषफल दुगुना हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे, देखिए किस प्रकार क्वेश्चन बनता है कि किसी संख्या में d का भाग देने पर शेषफल r बचता है, उसी संख्या के दुगुने में, उसी संख्या के, देखिए संख्या अक्ष है उसका दोगुना हुआ या नहीं हुआ, उसी संख्या के दोगुने में यदि d का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो आपके पास शेषफल भी क्या हो जाएगा, उस जो पहले वाला शेषफल था उसका दुगुना होकर उसमें भी किसका भाग लग जाएगा, d का भाग लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला अगर हम मेथड की बात करें, जैसे यहां पर अगर 3x आ जाए, 3x बटा d, तब आपका जो शेषफल होगा वो कितना हो जाएगा, 3r बटा क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे तब इसको देखने का मजा आएगा कि किस प्रकार से मेथड था, बेसिक था, जिसे हमने यूनिट डिजिट पढ़ा था, इकाई का अंक पढ़ा था, तो सबसे पहले साइक्लिसिटी का जो मेथड जाना था, क्या जाना था, साइक्लिसिटी का जो मेथड जाना था, उसके बाद में कितने आसान तरीके से क्या हो गए थे, फैक्टोरियल जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे, तो इनका तो क्या है, वजूद ही क्या है। ठीक है, तो देखिए आप समझिए अगला जो मेथड बनेगा वो कैसे बन सकता है। देखिए जैसे मेरे पास कोई संख्या ए है, क्या है, ए, और इसमें ए प्लस जैसे सपोज करो बी है, उसमें मैं यदि डी का भाग देता हूं, किसका भाग देता हूं, डी का भाग देता हूं, तो आपको पता है भाग कैसे लगेगा, आपको पता है भाग कैसे लगेगा, सबसे पहले ए में डी का भाग लगेगा, उसके बाद में बी में डी का भाग लगेगा, अगर अलग अलग संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार, जैसे मेरे पास 16 और 17 दो संख्याएं दे रखी है, 16 और 17 क्या दे रखी है, दो संख्याएं, और उसमें यदि मैं 5 का भाग देना चाहूं, किसका भाग देना चाहूं, 5 का भाग देना चाहूं, तब आपका अगर पूछ ले आपसे कि रिमाइंडर बताओ, शेषफल बताओ, तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, आपका शेषफल हो जाएगा आर ए प्लस आर बी। समझिए यहां से आर ए प्लस आर बी का मतलब क्या हुआ, कि जब मैंने 5 में जब इसको काटा, जब 16 में 5 का भाग दिया तो मेरे पास शेषफल कितना बचा, एक बचा, कितना बचा, एक बचा, जब मैंने इसमें 17 में भाग दिया तो शेषफल कितना बचा, दो बचा। मेरे से पूछ ले, मेरे से अगर किस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 16 प्लस 17 बटा 5 में शेषफल बताओ, तो शेषफल कैसे बताओगे, सबसे पहले 16 में 5 का भाग देना है, उसके बाद में 17 में किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है, तो कैसे हो जाएगा, जब इसमें भाग दिया तो शेषफल एक बचा, 5 × 15 होता है, यहां पर भी 5 × 15 होता है, शेषफल कितना बचा, दो बचा, और इसमें बीच में चिन्ह किसका है, जोड़ का, तो यहां पर भी जोड़ का होकर उत्तर कितना आ जाएगा आपके पास, 3, शेषफल कितना आ गया, 3। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रही है ना, बताओ भाई जल्दी से, अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप गणित से डरिए मत, गणित से भागिए मत। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पर आने का मतलब ये है कि आपको पूरी गणित सिखा के जाऊंगा मैं। ठीक है, और आपको सूत्र याद करने की कतई जरूरत नहीं, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ क्योंकि मेरे माइंड में एक ही बात घूमती है। ठीक है, कि जब भी टीचर लोग पढ़ाते हैं तो वो सूत्रों के पीछे लगे रहते हैं। ठीक है, आपको सूत्रें याद करने की जरूरत नहीं है, सूत्र हम खुद बनाएंगे, सूत्र हम क्या करेंगे, खुद बनाएंगे और खुद अप्लाई करेंगे, फिर टीचरों को बताएंगे कि हाँ ऐसे बनाते हैं सूत्र, ऐसे पढ़ो आप। ठीक है, देखिए आगे वाले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आगे वाला मेथड क्या बनता है, कि जब ए को गुणा ए गुणा बी में यदि किसी संख्या डी का भाग दिया जाता है, ए गुणा बी में किसी संख्या डी का भाग दिया जाता है और आपसे पूछ ले कि शेषफल बताओ, तब देखिए शेषफल कैसे निकलता है, तब आपका जो शेषफल है वो निकल के आएगा, यहां से क्या निकल के आएगा, आर वन ए आर ए और गुणा आर बी, आर ए गुणा आर बी, आर ए गुणा क्या निकल के आएगा, यहां से आर बी निकल के आ जाएगा। कैसे, जैसे मेरे पास सपोज करो दो संख्या, यही संख्या ले लीजिए 16 और कितनी है 17, और इसमें मैंने किसका भाग दे दिया, 5 का, किसका भाग दे दिया, 5 का भाग दे दिया, देखिए इसमें भाग देंगे तो शेषफल, देखिए ऊपर भी एक आया था, यहां पर भी एक आएगा, यहां पर कितना शेषफल है, 2 आया था 2, लेकिन यहां पर बीच में प्लस का चिन्ह था तो 1 और 2 कितना हो गया था, 3 हो गया था, यहां पर बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का, तो 2 और 1 3 कितना हो, 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, और ये आपका क्या हो जाएगा, शेषफल निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से भी आपको क्या कर सकता है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे हम बात करते हैं आगे वाले मेथड की, देखिए इनके जो क्वेश्चन है वो आगे हम खूब सारे बहुत सारे क्वेश्चन क्या करने वाले कराने वाले हैं। ठीक है, आप लगातार आप ये सोचिए कि अगर इस नंबर सिस्टम की ये हालत है, आपको बताएं कि लगभग ज्यादातर बच्चे हैं वो नंबर सिस्टम से भागते हैं। ठीक है, इससे बचकर भागते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, नंबर सिस्टम की मैंने यह हालत बना दी है आप लोगों के सहयोग से, तो सोचिए आने वाले जो टॉपिक है, परसेंटेज है, लाभ हानि है, जो भी स्पीड वो दूरी वाले टॉपिक हैं, उनकी क्या हालत होने वाली है, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही
बेकार हालत होने वाली है उनकी, उनको तो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन के अंदर ही उसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन लिखा हमने और क्वेश्चन के अंदर ही उसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, इतना उसको टाइम ही नहीं देंगे कि हम उत्तर भी निकाले। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही क्या निकाल देंगे, उसका आंसर निकाल देंगे। आप तो हमारे साथ लगातार क्या करते रहिए, जुड़े रहिए। देखिए आगे वाले अगर मेथड की बात करें हमें, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आने वाला है और लगभग बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं उससे पूछे भी जाते हैं। अब देखिए वो मेथड क्या होगा वो जानिए, सबसे पहले हम उसका बेसिक जानेंगे, बेसिक पकड़ेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए मेथड क्या है, मेथड इस प्रकार हो सकता है कि जैसे मेरे पास कोई संख्या मान लो एक्स है, क्या है, एक्स प्लस ए, और उसके अंदर मैंने अक्ष का भाग दे दिया, अक्ष प्लस ए के अंदर किसका भाग दे दिया, अक्ष का भाग दे दिया, अक्ष प्लस ए के अंदर किसका भाग दे दिया, अक्ष का भाग दे दिया, तो आपके पास जो शेष पल है, जो रिमाइंडर है, वो कितना निकल के आएगा, ए निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। आगे अगर हम बात करें कि अक्ष प्लस ए, अक्ष प्लस ए के अंदर यदि मैं अक्ष का भाग दूं और इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, एक्स प्लस ए का स्क्वायर में यदि मैं एक्स का भाग दूं, तब जो आपके पास जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, आपका जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा। देखिए आप एक चीज को समझो, यहां से इसके अंदर तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसके अंदर तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेष पल क्या बचा। देखिए आप अक्ष में भाग दी, अक्ष का अक्ष में भाग दीजिए, शेष पल क्या बचा, यहां से जैसे मैंने किया था ना अभी 16 और 17 वाला किया था ना, उसमें शेष पल कितना बचा था, एक बचा था, क्योंकि 16 थी वो संख्या। यहां पर देखिए अक्ष में अक्ष का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो शेष पल कितना बचा, जीरो, क्या बचा, जीरो। और जीरो में जब इसमें भाग देंगे, इसका जो शेष पल बचेगा जीरो में जब ये जोड़ेंगे तो आपके पास निकल के तो क्या आने वाला, यही तो निकल के आने वाला है। और जैसे मैं समझाऊं, आपको समझ में नहीं आया तो इधर देखो, जैसे मैंने समझा दिया कि 15 प्लस 16 में मैंने 5 का भाग दे दिया, 15 प्लस 16 में मैंने किसका भाग दे दिया, 5 का भाग दे दिया। ठीक है, तो देखिए यहां से, सॉरी 15 प्लस 16 में 15 का भाग दे दिया, यहां पर देखिए समान है ना, तो यहां से ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर शेष पल कितना बचने वाला है, यहां पर जब इसमें भाग देंगे तो शेष पल एक बचे या नहीं बचा, अरे शेष पल एक बचा या नहीं बचा। तो समझाने का मतलब यही है कि इसका जो शेष पल बचेगा वो क्या बचेगा, ए बचेगा। इसमें अगर हम भाग देते हैं तो आपका शेष पल क्या बचता है, ए स्क्वायर बचता है, कितना बचता है, ए स्क्वायर बचता है। यदि हम घात 3 की बात करें, एक्स प्लस ए की घात क्यूब करें और इसमें किसका भाग देंगे, एक्स का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, एक्स का भाग देंगे, तब आपके पास शेष पल क्या बचने वाला है, जो रिमाइंडर है, देखिए आर का मतलब शेष पल होता है रिमाइंडर, ठीक है, वो आपके पास क्या बचने वाला है, ए क्यूब बचने वाला है। तो देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई संख्या एक्स प्लस ए में ए की घात एन में यदि हम एक्स का भाग दें तो उसका जो रिमाइंडर है, जो शेष पल है, वो कितना बच के आएगा, ए की पावर एन निकल के आएगा। आपको ये बात क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है कि किसी संख्या ए प्लस एक्स प्लस ए की घात एन में यदि एक्स का भाग देंगे तो आपके पास रिमाइंडर है वो कितना निकल के आएगा, ए एन, ए की पावर एन निकल के आएगा। आप देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन की जानकारी लेते हैं, इसमें समझिए, सपोज करो जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन है, चलो इसको मिटा देते हैं फिर लिखाते हैं। आप अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जैसे आपका हो जाएगा 101 और यहां से निकल के आ जाएगा आपका 98 की पावर 55 और प्लस में 103 की पावर 55। का शेष पल बताओ, अरे इकाई का अंक मत निकाल लेना,
क्या मत निकाल लेना, इकाई का अंक मत निकाल लेना। क्या पढ़ रहे हैं हम? शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं, ठीक है। इकाई का अंक पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। शेषफल बताओ इसका, ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन है एक, दूसरे ऑप्शन की बात करें दो, तीसरे ऑप्शन की बात करें जीरो, चौथे ऑप्शन की बात करें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, बताओ। अब देखिए, समझिए आप, जो हमने मेथड पढ़ा था उसको अप्लाई करेंगे और उसके अप्लाई करने के साथ साथ क्या करते जाएंगे, क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। कैसे हैं आप? 98 को क्या लिख सकते हैं? देखिए इधर, आपने 98 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, 101 माइनस 3 की पावर 55। देखिए 101 में से जब 3 माइनस करेंगे तो कितना शेष रह जाएगा, 98 शेष रह जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 101 प्लस 3, यहां पर 4 लीजिए, आप कितना लीजिए, 4 लीजिए। तो यहां पर कितना लिख देंगे, 101 प्लस 3, और बट्टा में कितना है, बट्टा में आपका 101। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी जब सबसे पहले इसकी घात भी कितनी है, 55। सबसे पहले तो इसमें भाग देंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, और उसके बाद में किस में भाग देंगे, 101 का इसमें भाग देंगे। जब इसमें भाग दिया तो आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि आपका जो शेषफल है वो, जैसे 101 माइनस, आपने यही तो पढ़ा है कि एक्स प्लस एक की पावर क्या दे रखी है, 55 दे या कुछ भी एन दे रखी है, और बटा में एक्स का भाग दिया तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या निकल के आया, एक की पावर एन निकल के आया, क्या निकल के आया, एक की पावर एन निकल के आया। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, माइनस 3 की पावर 55 है, और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, प्लस 3 की पावर 55, ठीक है। माइनस 3 की पावर 55 और प्लस 3 की पावर 55, आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 0, और आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर वाला, कौन सा आंसर हो जाएगा, 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। उत्तर कितना आएगा इसका, 0, क्योंकि मैंने बताया है यहाँ पर, समझाया है, क्योंकि जब एक की पावर एन लिखते हैं तो देखिए ये ए तो है, ठीक है, माइनस 3 की पावर एन हो गया, 55 है, प्लस 3 की पावर कितना देर का है, 55, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया, ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बताना भाई आप, एक मैं इजी क्वेश्चन लिख रहा हूं वो बताना। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 1001 की पावर 98, 1002, चलो मैं इससे पहले है ना आपको एक नियम बता देता हूं, और वो नियम क्या है वो समझ लो, क्योंकि ये जब माइनस प्लस वाला होता है ना उसमें नियम की जरूरत ही पड़ती है। चलो मैं पहले वो आपको जो कंडीशन है वो बता देता हूं। देखिए कंडीशन इस प्रकार है कि जब मैंने x माइनस ए की पावर क्या लिखा, n लिखा, और इसमें किसका भाग दे दिया, x का भाग दे दिया, ठीक है, x की पावर n माइनस एक कर दीजिए, एक में किसका भाग दे दिया, x माइनस एक की पावर n में किसका भाग दे दिया, x का भाग दे दिया। तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या निकल के आएगा, बताओ, अरे आपके पास जो शेष पल है वो क्या निकल के आएगा, माइनस एक की पावर n ही निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, माइनस एक की पावर क्या निकल के आएगा, एन निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए इस एक की दो कंडीशन हो सकती है, इस एक की कितनी कंडीशन हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है, किसकी, एन की, माइनस एक की पावर एन की कितनी कंडीशन हो सकती है, दो। देखिए ये जो आपका एन है, या तो ये हो सकता है सम, और यह क्या हो सकता है, विषम, या तो क्या हो सकता है, सम हो सकता है, और यह कैसा हो सकता है, विषम। सम का मतलब तो आप जानते होंगे, ठीक है, और विषम का मतलब भी आप जानते हैं, ठीक है, इतना बेसिक तो आप जानते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां से जब इसकी पावर कैसी होती है, n कैसा हो, सम हो, n कैसा हो, सम हो, तब तो आपका उत्तर कैसा आ जाएगा, एक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, देखिए मैं समझाता हूं आपको बेसिक से, यहां से जब माइनस एक है, इस माइनस एक की पावर आप सम कीजिए, जैसे सपोज करो आपने दो लिख दिया, कितना लिख दिया, दो लिख दिया। अब आपको पता है माइनस एक की पावर दो, ठीक है, जब यहां पर सम घात होगी तो आपका उत्तर क्या निकल के आने वाला है, एक निकल के आने वाला है, ठीक है, बहुत जबरदस्त बात है ये, आप इसको पकड़ लेना, ठीक है। माइनस एक स्क्वायर कितना होता है, यदि सम घात होगी तो कितना उत्तर निकल के आएगा, आपके पास एक निकल के आएगा, और जब आपके पास रिमाइंडर है वो एक निकल के आएगा, और जब आपके
पास घात कैसी है, विषम, जैसे माइनस एक की पावर तीन है, तीन ले सकते हैं, पांच सात कोई सी भी विषम संख्या ले सकते हैं, तब आपका उत्तर क्या निकल के आएगा, माइनस एक, जबकि ये नहीं आएगा। माइनस एक कभी भी क्या नहीं आता है, रिमाइंडर माइनस में थोड़ी आता है, अरे जो आपका शेष पल है वो माइनस में थोड़ी आता है, कभी भी शेष पल माइनस में नहीं आता है। उसमें क्या जोड़ा जाता है, उसमें अक्ष जो आपका भाजक है वो जोड़ा जाता है। तो यहां पर आपका शेष पल क्या निकल के आ जाएगा, माइनस एक प्लस अक्ष। ये माइनस वाला जो नियम है वो कहां फॉलो होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इधर जैसे 98 है मेरे पास, इस 98 के अंदर मैं 11 का भाग दूं, समझना एक बार, आप जो करते हैं वो तरीका भी सही है और आपको ये आज मैं दूसरा तरीका भी सिखाने वाला हूं, ठीक है। अगर इस 11 का, अगर 98 के अंदर मैंने 11 का भाग दिया तो कितनी बार चला गया बताओ, 11 8 88, कितनी बार चला गया, 11 8 88, और आपका शेष पल कितना बचा, 10 बचा या नहीं बचा। एक तो तरीका है ये शेष पल निकालने का, एक तरीका मेरे वाला देखना आप, इस 98 के अंदर यदि मैं 11 का भाग दूं कितनी बार दूं, मैं 8 बार न देकर मैंने 9 बार दे दिया, कितनी बार दे दिया, 9 बार दे दिया, तब यहां पर देखिए शेष पल कितना, जब आपके पास शेष पल बड़ा आने लग जाए ना तब यही मेथड अपनाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर 10 के समथिंग बड़ा आ रहा है, ये तो मान लो छोटी संख्या, अगर बड़ी संख्या आ जाए तब आपको ये जो मैं मेथड बता रहा हूं वही आज से अपनाना है। जब मैंने 11 में किसका भाग दे, 98 में किसका भाग दे दिया, 11 का, कितनी बार दिया ऊपर तो 8 बार, लेकिन यहां पर नीचे कितनी बार दिया है मैंने, 9 बार, तो 11 में कितना होता है, 99, शेष पल कितना बचा, माइनस एक, शेष पल कितना बचा, माइनस एक, बताओ छोटा आया नहीं आया। अब इस माइनस एक में हम क्या कर देते हैं, इस 11 को भी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, 11 को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया, तब आपके पास शेष पल ओरिजिनल जो रियल शेष पल है वो कितना निकल के आया, 10 बताओ, यही तो किया है मैंने। इस जो माइनस एक आया था, इस माइनस एक में देखिए यहां पर 98 में 11 का ही तो भाग दे रहे हैं, 98 में 11 का भाग दे रहे हैं, नीचे वाली संख्या तो जोड़ी है, तो यहां पर भी मैंने एक्स ही जोड़ा है, यहां पर बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो ये करने का क्या होता है, तरीका होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सबसे पहले इन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं और उसके बाद में एक आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, उसकी चर्चा करने के बाद में क्या करेंगे, वीडियो को खत्म करेंगे, फिर आगे वाले जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम क्या मिलेंगे, उसके अंदर एक आपका जो ट्यूशन मेथड होता है, ठीक है, उसके साथ मिलेंगे, ट्यूशन थ्योरम होती है, उसके अनुसार क्या होता है कि कितनी भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर आपने शेष पल आपको पूछ रहा है तो देखते ही आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक है, इतना अच्छा मेथड है वो। अब देखिए इस पर क्वेश्चन किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं, इसीलिए अभी जो क्वेश्चन आया था मेरे ध्यान में, फिर मैंने सोचा कि आपको सबसे पहले इसका जो मेथड है वो बताना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको मेथड का नहीं पता होगा, इसका जो बेसिक है इसका पता नहीं होगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अब लिखिए वो क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था, या चलो पहले ये ले लेते हैं, पहले वाला 1001 की पावर 98 बटा 1002, ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, का शेष पल बताओ, का शेष पल बताओ, ऑप्शन लिख रहा हूं मैं 0 1 2 3, बताओ भाई ऑप्शन बताओ, इसका बताओ कौन सा आंसर होगा, अभी मेथड बताया उसी पर आधारित है, यहां पर 0 है ये, उसी पर आधारित है, बताओ जल्दी से। देखिए हम 1001 को हम क्या लिख सकते हैं, 1002 माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 98 बट्टा कितना दे रखा है, 1002, अरे 1002 में से जब क्या घटाएंगे, 1002 में से 1 घटाएंगे तो 1001 बचेगा या नहीं बचेगा, इसकी पावर कितनी देर की, 98। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि जब यहां पर x समान है तब रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर आपके सामने शेष पल क्या बचा, शेष पल बचा माइनस 1 की पावर 98, माइनस 1 की पावर क्या बचा, 98। और मैंने यहां पर समझाया था, देखिए इस प्रकार दो भाग बनाकर यहां पर समझाया था कि यदि सम है, यदि घात कैसी है, सम है, तब आपका उत्तर क्या निकल के आएगा, एक निकल के आएगा, और यहां पर देखिए घात सम है तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, एक, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, अरे बात समझ में आई या नहीं आई,
आ गई ना बात समझ में? तो देखिए बेसिक बताया तभी तो ये बात समझ में आई ना, वरना आ जाती क्या? नहीं आती, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर दूसरे प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो दूसरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लिखते ही, अब भाई क्वेश्चन लिखते ही क्या आ जाना चाहिए? उसका आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। क्वेश्चन जैसे ही आपको मिला आप तुरंत आंसर बताएंगे उसका, बताना भाई। रुकू क्वेश्चन लिख दिया मैंने 9999 की पावर, जिसे सपोज करो कितनी हो सकती है, 99/1000 ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, उत्तर आ जाना चाहिए। अरे इतनी जल्दी तो उत्तर आ जाना चाहिए, शेष पहले बताओ शेष पल क्या होगा। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं 1001, 1002 और 1003 जल्दी से बताओ। अरे जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी से आंसर बताओ। चलो हम इस 999 को क्या लिख सकते हैं, यदि मैं 1000 में से एक घटा दूं, 1000 में से मैंने कितना घटा दिया, एक, तो कितना बचा आपके पास, 999 बचा या नहीं बचा? तो देखिए मैंने 1000 में से कितना घटा दिया, 1000 माइनस एक की पावर कितनी है, 99 बट्टा कितना लिख दिया मैंने, 1000। अरे आपको तो क्या लेके आना है, आपको तो ये लेके आना है कि नीचे 1000 है तो ऊपर भी यहां पर किस प्रकार से करके 1000 लेके आए, कैसे भी करके कितना लेके आए, 1000 लेके आए। तब देखिए 1000 है तो यहां पर आपका जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, माइनस एक की पावर, आपका जो शेष फल है वो कितना बचेगा, माइनस एक की पावर 99, कितना बचेगा 99। अब मैंने यहां पर अभी पढ़ाया था मैंने दो रूल, यदि घात के सी है विषम है, विषम है तो कितना बचता है, माइनस एक, कितना बचता है, माइनस एक, लेकिन माइनस एक क्या ये आंसर होगा, बिल्कुल नहीं। इस माइनस एक में मैंने फिर अक्ष जोड़ा था और अक्ष कौन सा था, ये था, और ये इसमें अगर मैं 1000 की बात करूं माइनस एक प्लस 1000, चलो ऑप्शन थोड़ा सा ऑप्शन में क्या हो चुकी है, मिस्टेक हो चुकी है, तो आपका जो उत्तर है वो क्या निकल के आ जाएगा, आपका जो उत्तर है वो क्या निकल के आ जाएगा, सॉरी ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा 999। क्या निकल के आ जाएगा आपका उत्तर है 999, क्या निकल के आ जाएगा आपका उत्तर, निकल के आ जाएगा आपका शेषफल क्या आएगा, 999 आएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, चलो आपको ये तो पता चला ना आप कि किस बच्चे ने सही बताया किसने गलत बताया, आप ऑप्शन को देखकर ऐसे टिक लगा रहे हैं, तुक्के मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, आगे वाला अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन बताना भाई आप सभी लोग का शेषफल, का शेषफल है बताओ, ऑप्शन लिखू क्या, अरे ऑप्शन लिखू क्या, चलो ऑप्शन लिख लो, 61, 66, 88 और 67 बताओ भाई इसका आंसर बताओ, आप इसका आंसर ही बताओ। देखिए ये किस प्रकार होगा, आपको पता है 67 की पावर कितनी दे रखी है, 67, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अरे इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया 68 माइनस का एक, 68 माइनस एक कितना होता है, 67, और इसकी पावर कितनी लगा दी मैंने, 67, और प्लस भी कितना है, 67, और बट्टा कितना हो जाएगा यहां से, 68 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, 67 को क्या लिख सकते हैं, 68 माइनस का कितना हो जाएगा यहां से, एक हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर भाग देना है, तो इसके अंदर भाग दिया तो कितना आया, माइनस एक की पावर 67, माइनस एक की पावर कितनी आई, 67। उसके बाद में प्लस में क्या है, प्लस में कितना दे रखा है, 68 माइनस का एक में किसका भाग देंगे, 68 का भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा यहां से, माइनस का एक, कितना हो गया, माइनस का एक, ठीक है। जब इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो आपको पता है माइनस एक की पावर यहां पर कैसी है, विषम है या नहीं है, माइनस एक की पावर कैसी है, यहां पर है विषम है, और विषम होता है तो क्या होता है, शेष पहले माइनस एक,
क्या होगा माइनस एक ही, और प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में कितना जोड़ देंगे, नीचे वाला कितना है 68, और प्लस में यहां पर भी कितना जुड़ जाएगा, यहां पर भी कितना ऐड हो जाएगा माइनस एक, ठीक है। तो आपका उत्तर कितना निकल के आ जाएगा, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा यहां से 66, कितना निकल के आ जाएगा 66 उत्तर निकल के आ जाएगा। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन बताने वाला हूं, अगर उसमें आपसे रिमाइंडर से संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तब आप आंसर क्या दो। देखिए अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताना, लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे। मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, आपको दो ऑप्शन दूंगा मैं, ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चनों में बताना कि कौन सा क्वेश्चन क्या है सही है। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे आ जाए कि 14 में किसका भाग दो, दो का भाग दो, 14 में किसका भाग देना है, चार का भाग देना है, 14 में किसका भाग देना है, चार का भाग देना है, तो जब 14 में चार का भाग देंगे तब आपके पास जो शेषफल बचेगा रिमाइंडर वो क्या निकल के आने वाला है, तब आपका जो रिमाइंडर है शेष पल है वो कितना निकल के आने वाला है, 4 3 12 और शेष पल आ जाएगा आपके पास 2। आएगा या नहीं आएगा, शेष पल कितना आया 2। अगर आप इस 14 को आप डिलीट कर देंगे, कैसे, आपने लिख दिया सपोज करो कि 14 को 14 बटा 2 है, 14 बटा कितना है 2 सॉरी 4 है, 14 बटा कितना है 4 है, अगर मैं इसको काट दूं, मैं इस प्रकार न करके आप कैलकुलेशन सरल करने में क्या कर लेते हो, इसको डिलीट कर देते हो, काट देते हो कि 2 एकम 2 और 7 दूनी 14, कितना आ गया आपके पास 7 बटा 2, और जब 7 में 2 का भाग देंगे तब आपके पास जो रिमाइंडर है वो कितना निकल के आया 1, तब शेष पल कितना निकल के आया 1, बताओ ये कैसे हुआ भाई। 14 में मैंने 4 का भाग दिया तब मेरे पास रिमाइंडर 2 आया, और यही भी 14/4 ही था, लेकिन मैंने इसको काट के 2 का भाग दे दिया, 7/2 हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म, और इसमें रिमाइंडर कितना आया है 1। जबकि कौन सा सही है, सबसे पहले तो आप ये बताओ, 1 नंबर और 2 नंबर दे दिया मैंने, आपका 1 नंबर आंसर सही है, 1 नंबर क्वेश्चन सही है या 2 नंबर क्वेश्चन सही है, आपका जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर सही है, 1 नंबर सही है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है गलत है, कैसे है। जब आप एक रिमाइंडर में आप हमेशा ध्यान रखना कि जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसे किस रूप में लिखा जाता है, गुणा के रूप में भी लिखा जाता है, और इस प्रकार आपका आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। आज की बहुत लंबी क्लास हो गई, आगे हम जो मिलेंगे इन्हीं क्वेश्चनों से संबंधित मिलेंगे, क्योंकि जो आपकी शेषफल प्रमेय है, जो आपकी शेषफल प्रमेय है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए, ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है, और जो आगे की प्रश्नावलियाँ होंगी उनको तो हम ऐसे खत्म, मैंने अभी बोला था ना बीच में कि क्वेश्चन के अंदर ही क्या कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, जैसे क्वेश्चन लिखा आंसर उसी के अंदर, ठीक है, 2 लाइनों 1 लाइन के अंदर क्या हो जाएगा, उसी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, जिस भी बच्चे की गणित ठीक है वो भी हमसे पढ़े, और जिसकी ठीक नहीं है वो भी हमसे पढ़े, और जिसकी बहुत अच्छी गणित है, जिसकी कम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल से बहुत अच्छी गणित है वो भी हमसे पढ़े, क्योंकि उसको भी हम क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। तब तक आप अपने हमारी जो चौधरी कोचिंग ऑनलाइन की टीम है उसके साथ लगातार बने रहिए, कमेंट के माध्यम से उनका जो जोश है वो क्या करते रहिए, आप बढ़ाते रहिए, और आने वाले समय में हम लाइव आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है। फिर क्या होगा, आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन होगा और हमारा आंसर होगा, ठीक है, उनके अलावा कोई बात नहीं करेंगे, आपका क्वेश्चन होगा और हमारा आंसर होगा, ठीक है। धन्यवाद।